नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में आज कलेक्टर जेके जैन को जिले से आए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आवेदन दिए। इस दौरान 162 आवेदन आए, जिसमें फरियादियों ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने जैसे कई आवेदन दिए। आवेदन लेकर कलेक्टर जैन ने सभी आवेदनों पर समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस जनसुनवाई में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त शिल्पा जैन, एसडीएम राजेश शाही, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेएस गोगिया और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। महाशिवरात्रि पर्व सौम्यतापूर्ण, सद्भाव और शांति से मनाए जाने को लेकर आज कलेक्टर जेके जैन की अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष कार्यालय में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर जेके जैन ने बताया कि 13 फरवरी को बड़ा महादेव भूरा भगत, छोटा महादेव तामिया, राघा देवी मोहगांव और पातालेश्वर छिंदवाड़ा में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सभी तरह की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आज कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त इक्षित गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एसडीएम राजेश शाही, संबंधित विभागों के अधिकारी, पत्रकार और समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। पुलिस कंट्रोल रूम में आज जनसुनवाई हुई। इस दौरान एसपी गौरव तिवारी ने जिले के फरियादियों की फरियाद सुनी। गौरतलब है कि हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें कंट्रोल रूम में एसपी गौरव तिवारी जिले से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका त्वरित निराकरण करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई के दौरान एसपी गौरव तिवारी ने जिले के फरियादियों की फरियाद सुनी। होशंगाबाद और छिंदवाड़ा की सीमा में चौरागढ़ की पहाड़ी पर विराजे भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार के नजदीक आते ही बाजार भी तैयार हो चुके हैं। पूजन सामग्री की पूछ परख हो रही है। शहर में त्रिशूल की दुकानें सजने लगी हैं। महाशिवरात्रि पर शहर के पतालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इस दिन यहां मेले भी आयोजित होते हैं। मेले को लेकर सोमवार को एसडीएम राजेश शाही, निगम कमिश्नर इक्षित गढ़पाले और थाना प्रभारी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।